अस्सलाम वालेकुम। आज आपको नो बेक चॉकलेट बिस्किट केक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं 800 ग्राम, आधा कप कटे हुए अखरोट, इनको पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, 150 ग्राम मक्खन, एक कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, एक कप पानी, एक चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 120 ग्राम डार्क चॉकलेट और 120 मिलीलीटर व्हिपिंग क्रीम। एक पैन में चीनी, कोको पाउडर और पानी डालकर विस्क से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मक्खन डालेंगे और इसकी फ्लेम को ऑन करेंगे। सॉस को मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। सॉस को 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है, अब इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब सॉस में 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। बिस्किट्स को हाथों से तोड़ लेंगे। बिस्किट्स को तोड़ लिया है, अब इसमें कटे हुए अखरोट डाल देंगे और सॉस डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब इनको एक केक मोल्ड में डाल देंगे। केक मोल्ड में नीचे हमने बटर पेपर लगा दिया है, अब इसमें ये सारा डाल देंगे। अब इसको चम्मच की मदद से पूरा फैला देंगे ताकि सारा इक्वल हो जाए। चम्मच की मदद से पूरा मिक्सचर फैला दिया है, अब इसको आधा घंटा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए एक पैन में व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट डालकर हल्की आंच पर इसको मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब चॉकलेट गनाश को ठंडा कर लेंगे। अब चॉकलेट गनाश को केक पर डाल देंगे। केक पर चॉकलेट गनाश डाल दी है, अब इसको कवर करके 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक तैयार है, अब इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। केक को मोल्ड से निकाल लिया है, अब इस पर कटे हुए अखरोट डाल देंगे। केक बिल्कुल तैयार है, अब इसको काट लेंगे। नो बेक चॉकलेट बिस्किट केक तैयार है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका केक कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।